प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, मैं हूं काविश अजीज और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत आज लखनऊ जेल में स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन वर्कशॉप का आयोजन हुआ, जिसमें कैदियों को स्टील के सामान की पॉलिशिंग, कटिंग, वेल्डिंग का प्रशिक्षण दिया गया। ये कार्यशालाएं कैदियों के आने वाले जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो भी कैदी अपनी सजा अवधि पूरी कर लेगा, जब वो जेल के बाहर जाएगा तो उसे कुछ ना कुछ काम की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में ये जो कार्यशालाएं जेल के अंदर हो रही हैं, ये उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का भी काम कर रही हैं। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं जेल के अंदर का दृश्य दिखाने के लिए और दिखाते हैं कि किस तरह से ये कैदी काम कर रहे हैं। बहुत पतला तार होगा, वेल्डिंग बहुत महीन होगी और खराब होगी। माल ऊपर से गिरा गिरा हुआ नहीं, मतलब जैसे उसमें माल ऊपर जैसे उसमें भी होती है, साफ वेल्डिंग की जाती है तो ऐसे धार धार बन जाते हैं, इसमें धार नहीं बनेगी, इसमें एकदम बिल्कुल बराबर आएगा। ऊपर से थोड़ा हल्का ग्राइंड करके एकदम सही महीन टाका लगा। ये भारत सरकार का जो आत्मनिर्भर भारत मिशन है, उसके अंतर्गत बंदियों को कौशल विकास प्रदान किए जाने की एक प्रयास है। इस तरह का एक प्रयास उन्होंने केंद्रीय कारागार वाराणसी में भी किया है, वहाँ 30 बंदियों को प्रमाण पत्र भी दिए गए और उनका कार्य अच्छा चल रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी एक प्रयास किया जा रहा है कि लगभग 30 बंदियों को स्टेनलेस स्टील के काम में एक प्रशिक्षण दिया जाए और उनका फिर उत्पाद। कुर्सियां हैं, फैब्रिकेशन वगैरह जो है, बेंच है और आपका आजकल आप देखते हैं कि वो जो बाउंड्री बनती है छत वगैरह की, उसमें रेलिंग वगैरह इस सब के लिए काम होता है, तो इसका काम ये कराएंगे यहाँ पे सीखने का। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।